नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के कई जिलों का भूजल स्तर हुआ काफी नीचे। डाक विभाग में बड़े स्तर पर हुआ अधिकारियों का तबादला। पटना हाईकोर्ट के नए जज ने ली शपथ। तेजस्वी यादव ने शिक्षक भर्ती जल्द कराने का दिया निर्देश। WTC फाइनल 2023 में ICC ने इस नियम में किया बदलाव। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के कई जिलों का भूजल स्तर हुआ काफी नीचे। बिहार में गर्मी का प्रकोप इतना हो गया है कि राज्य के 24 जिलों का भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। बता दें कि PHED के द्वारा 2022 की तुलना में इस साल 30 अप्रैल तक जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 19 पंचायतों में भूजल की स्थिति काफी गंभीर है। मालूम हो कि जिन जिलों के 19 पंचायतों में भूजल की स्थिति काफी गंभीर है, उनमें कैमूर, जहानाबाद, भागलपुर, मुंगेर, रोहतास, नालंदा और नवादा जिले के पंचायत शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के कई जिलों में भूजल की स्थिति को देखते हुए 9 जिलों के 86 जगहों पर टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। बता दें कि राज्य में भूजल की ऐसी स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसी ही स्थिति बनी रहती है और आने वाले समय में भूजल सुधार की योजनाओं पर सही ढंग से काम नहीं किया जाता है तो राज्य की स्थिति 2 से 3 दशक में बहुत बुरी हो जाएगी। डाक विभाग में बड़े स्तर पर हुआ अधिकारियों का तबादला। बिहार सर्किल में डाक विभाग के कामकाज को बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए डाक विभाग में बड़े स्तर पर अधिकारियों का तबादला किया गया है। बता दें कि जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें कई अधिकारी पिछले कई सालों से एक ही पद पर कार्यरत थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें शंभू राय, रणधीर कुमार, शंभु सिंह, सत्यरंजन, सिद्धेश्वर कुमार, प्रणव कुमार झा, धर्मेंद्र सिंह, पवन कुमार वर्मा, मनोज कुमार मधुकर, दिनेश्वर शाह, नवीन कुमार, कन्हैया प्रसाद सिंह, कुमारी सरिता, किशोर कुमार समेत इंस्पेक्टर का भी तबादला किया गया है। गया और औरंगाबाद जिले के 2 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। केंद्र सरकार की ओर से रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गई अमृत भारत योजना के तहत गया से सटे गुरारू व रफीगंज स्टेशन और साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी छोटे छोटे रेलवे स्टेशन के विकास कार्य किए जाएंगे। बता दें कि इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं से इतर अन्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे लक्ष्य के साथ चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। मालूम हो कि इस योजना के तहत स्टेशन पर नई सुविधाओं के साथ ही पुरानी सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी स्टेशनों के विकास कार्य को पूरा करने के लिए 18 महीने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित छोटे स्टेशन पर 10 से 20 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। सेक्रेट गेम्स के अभिनेता राजवीर सिंह राजपूत ने गाया भोजपुरी गाना। सेक्रेट गेम्स के अभिनेता राजवीर सिंह राजपूत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि इस वीडियो में वो एक भोजपुरी रैप गाते नजर आ रहे हैं। मालूम हो कि इनके द्वारा गाए गए इस भोजपुरी रैप का नाम हम हई बिहारी है और अब तक इस गाने को लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। इसके साथ ही इनके इस वीडियो पर दर्शकों के द्वारा अच्छे कमेंट्स भी दिए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभिनेता राजवीर सिंह राजपूत बिहार के मोतिहारी के रहने वाले हैं और यह बॉलीवुड के बढ़िया एक्टर हैं और साथ ही यह एक म्यूजिशियन भी हैं। उन्होंने यह गाना इसलिए गाया क्योंकि उनकी मातृभाषा भोजपुरी है और वह भोजपुरी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने शिक्षक भर्ती जल्द कराने का दिया निर्देश। बीते दिन रविवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर व विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बता दें कि बीते दिन हुए इस बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा सभी को निर्देश देते हुए कहा गया कि शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए और साथ ही विभागीय कार्रवाई भी जल्द पूरा किया जाए ताकि नए शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके। बता दें कि बीते दिन हुए इस बैठक की जानकारी खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा ट्वीट करके दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर बैठक की कुछ तस्वीरें डालते हुए लिखा है कि शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग के अद्यतन कार्यों, पठन पाठन, रिक्त पदों, नियुक्तियों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग, योजनाओं एवं उपलब्धियों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। पटना हाईकोर्ट के नए जज ने ली शपथ। आज यानी कि 15 मई को सुबह 9:30 बजे राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर के द्वारा तेलंगाना हाईकोर्ट के पटना हाईकोर्ट में स्थानांतरित जज जस्टिस अन्य अभिषेक रेड्डी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते शुक्रवार को तेलंगाना हाईकोर्ट के द्वारा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जल भुइया की अध्यक्षता में प्रथम न्यायालय कक्ष में विदाई सभा का आयोजन कर जस्टिस अन्य अभिषेक रेड्डी को भव्य विदाई दी गई थी। इस दौरान वहां मौजूद सभी न्यायाधीश
न्यायाधीशों के द्वारा जस्टिस अन्नी अभिषेक रेड्डी से मुलाकात की गई और उन्हें विदाई दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करीब 5 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा 3 जजों के दूसरे राज्यों में तबादले की सिफारिश की गई थी। रात 2 बजे वीवीआईपी के लिए पर्ची निकालते दिखे बाबा बागेश्वर। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह वीवीआईपी के लिए बीती रात 2 बजे पर्ची निकालते नजर आ रहे हैं। बता दें कि रविवार रात 2 बजे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा वीवीआईपी लोगों के लिए दिव्य दरबार लगाया गया था जिसमें आम लोगों की एंट्री नहीं थी। मालूम हो कि उनके इस दिव्य दरबार में कुछ चुनिंदा लोग जैसे मंत्री, बिजनेसमैन और कुछ नेता समेत लगभग 200 लोग शामिल हुए थे, जिसमें बाबा के द्वारा पर्ची भी निकाली गई और विभूति भी बांटी गई और साथ ही जो समस्या थी उसका समाधान भी बताया गया। बता दें कि जो वीडियो सामने आया है उसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं और उनके पास ही पर्ची वाली ट्रे रखी है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा हुई स्थगित। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर पिछले काफी दिनों से अपनी जन स्वराज पद यात्रा चला रहे थे, लेकिन बता दें कि अब उनके इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी देते हुए कहा कि उनके पैर में दर्द है। खराब सड़कों पर हर दिन 20 से 25 किलोमीटर चलने के कारण उन्हें मसल टियर की समस्या हो गई है, जिस वजह से उन्होंने 10 से 15 दिनों के लिए अपनी यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अगर उनकी स्थिति आगे और नहीं बिगड़ती है तो वे अपने इस यात्रा की शुरुआत 11 जून से करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रशांत किशोर के द्वारा अपनी यह जनस्वराज यात्रा वर्ष 2022 में 2 अक्टूबर को पश्चिम चंपारण जिले से शुरू की गई थी और उन्होंने अब तक लगभग 2500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर ली है। राज्यपाल के संभावित दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर 21 और 22 मई को 2 दिवसीय दौरे पर वाल्मीकि नगर आने वाले हैं। बता दें कि उनके आगमन को लेकर वाल्मीकि नगर में प्रशासन की ओर से जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। मालूम हो कि उनके आगमन को लेकर ठाड़ी गांव में सरकारी भवनों का रंग रोगन किया जा रहा है। इसके साथ ही नाला निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। बिजली के खंभों की तस्वीर भी बदली जा रही है। बता दें कि मेरी जानकारी के अनुसार राज्यपाल यहां आने के बाद धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे और साथ ही जंगल सफारी का भी लुत्फ उठाएंगे। इसके अलावा वे आदिवासी बहुल इलाकों का भ्रमण करेंगे और विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। बता दें कि राज्यपाल के दौरे को लेकर वाल्मीकि नगर पंचायत के उप मुखिया रवि प्रकाश गुप्ता के द्वारा कहा गया है कि प्रखंड कार्यालय के निर्देशानुसार घर घर उपलब्ध सुविधाओं का सर्वे किया जा रहा है ताकि ग्रामीण जन सुविधाओं से वंचित न रहे, उन्हें सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा सके। महामहिम का वाल्मीकि नगर दौरा 21 मई से शुरू हो रहा है, जिसे लेकर वाल्मीकि नगर की जनता उनका तहे दिल से स्वागत करने के लिए तैयार है। जनता दरबार में सीएम नीतीश ने बोला, हथवो तोड़वा दोगे क्या। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चलाई जा रही जनता दरबार में लखीसराय से एक शख्स पहुंचा। वहीं जब इस फरियादी की सीएम नीतीश ने समस्या सुनी तो उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव को फोन लगाने को कहा। वहीं फोन लगाने के दौरान वहां मौजूद स्टाफ के द्वारा फोन सीएम नीतीश को थमाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान फोन का सेट हाथ से छिटक गया, जिस पर मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि हाथ वो तोड़वा दोगे क्या। मुख्यमंत्री की इस बात को सुनकर अटेंडेंट सहम गया। वहीं अधिकारी से बात करने के बाद सीएम नीतीश ने अपनी उंगली की ओर देखते हुए कहा कि अभी भी दर्द है और दर्द बर्बाद होगे क्या। बता दें कि इसके बाद जनता दरबार में समस्तीपुर से एक ऐसा फरियादी आया जिसने सीएम नीतीश के सामने जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण में भारी घोटाले की शिकायत की और कहा कि इसकी जांच करवाई जाए, जिस पर सीएम नीतीश ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को फोन लगाया और इस मामले को देखने का आदेश दिया। मोदी सरनेम केस में राहुल की याचिका पर अब इस दिन होगी सुनवाई। आज यानी कि 15 मई को पटना हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार के द्वारा मोदी सरनेम मामले पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को बड़ी राहत दी गई है। बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई को 4 जुलाई तक टाल दी गई है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा निचली अदालत के आदेश पर 15 मई तक का रोक लगाते हुए राहुल गांधी को राहत दे दी थी। वहीं एक बार फिर कोर्ट के द्वारा सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई घोषित करते हुए राहुल गांधी को राहत दे दी गई है, यानी कि अब उन्हें अगली सुनवाई तक निचली अदालत में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। आपकी जानकारी के बता दें कि राहुल गांधी के द्वारा 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तमिलनाडु के कोलार की एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा गया था कि सारे मोदी चोर हैं। प्रदेश में कांग्रेस प्रवक्ता के लिए 321 लोगों ने किया आवेदन। बीते दिन रविवार को बिहार की राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित यंग इंडिया के बोल्ड डिजन 3 का प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 321 लोगों के द्वारा आवेदन किए गए थे, लेकिन स्क्रूटनी के बाद केवल 50 लोगों का चयन किया गया जिन्होंने बीते दिन सदाकत आश्रम में बेबाकी के साथ प्रतियोगिता के तीनों फॉर्मेट में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया।
बता दें कि 50 चयनित लोगों के द्वारा जिन 3 फॉर्मेट पर उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया गया उनमें भाषण, वाद विवाद और कविता व्यंग्य है। वहीं प्रतियोगिता पूरा होने के बाद पहले स्थान के लिए स्वाति सिंह, दूसरे स्थान के लिए धीरज कुमार और तीसरे स्थान के लिए अजमेर करीम का चयन किया गया। बता दें कि बिहार राज्य प्रभारी एवं सब प्रभारी यंग इंडिया के बोल के राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान एवं रतीश मिश्रा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय युवा कांग्रेस लगातार लोकतांत्रिक तरीके से अपने संगठन का विस्तार करते हैं, जिसके अंतर्गत चुनाव की प्रक्रिया भारतीय युवा कांग्रेस से लेकर प्रदेश युवा कांग्रेस और जिला से लेकर विधानसभा तक पूरी होती है। चुनाव द्वारा पदाधिकारियों को चुना जाता है। तेजस्वी यादव भी मिलेंगे बागेश्वर बाबा से। 13 मई से बिहार की राजधानी पटना के तरेतपाली में शुरू हुई बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा में कई वीआईपी लोगों को देखा गया है। वहीं अब एक और नई खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि अब ऐसा बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मिलने वाले हैं। हालांकि इस बारे में अब तक आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मुलाकात आज या फिर कल हो सकती है। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बाबा प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया है कि तेजस्वी यादव के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि वह कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव की बाबा से भेंट कार्यक्रम स्थल तरेतपाली में ही होगी और इस दौरान अगर लालू यादव की तबीयत ठीक रहती है तो वो भी तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं। WTC फाइनल 2023 में ICC ने इस नियम में किया बदलाव। अगले महीने लंदन में होने वाली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा सबसे चर्चित बहस का मुद्दा और लंबे समय से लंबित नियम के बदलाव किए गए हैं। क्रिकेट बस की रिपोर्ट के अनुसार सौरभ गांगुली की अध्यक्षता में ICC की क्रिकेट समिति ने इस नियम के बदलाव को मंजूरी दी। नया नियम द ओवल में 7 से 12 जून के बीच खेले जाने वाले मैच का हिस्सा होगा। बता दें कि जिन नियम में बदलाव किया गया है उनमें सॉफ्ट सिग्नल नियम शामिल है। ICC के नियमों के अनुसार सॉफ्ट सिग्नल गेंदबाज के अंपायर की तरफ से अंपायर रिव्यू शुरू करने से पहले उसके शुरुआती ऑन फील्ड निर्णय को लेकर तीसरे अंपायर से बातचीत करने का विजुअल माध्यम है, लेकिन अब इस तरह के फैसला की शुरुआत गेंदबाज की तरफ के अंपायर द्वारा तीसरे अंपायर को अपने हाथों से टीवी स्क्रीन का आकार बनाकर की जाएगी, जिसके बाद हाथों से आउट या नॉट आउट को सॉफ्ट सिग्नल दिया जाएगा। और अगर तीसरा अंपायर सलाह देता है कि रिप्ले को देखकर फैसला नहीं लिया जा सकता तो शुरुआत में सूचित ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय ही अंतिम होगा। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.98 रुपए और डीजल 94.70 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल की 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, बाबूलाल मरांडी, रंजीत मिश्रा, पीके पासवान, सुरेश ओडम, अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, वेद प्रकाश सिंह, मुटुर रंगीला, लक्ष्मी मेहता, के सिन्हा, नौसद अंसारी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र का वर्तमान में भूजल स्तर कैसा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।